कैसिनोवा बॉय रणवीर सिंह ने पीछे छोड़ दिया रोमांस के किंग शाहरुख खान को। यहाँ 23 अप्रैल को हुए टीवी के सबसे बड़े युद्ध की बात हो रही है दोस्तों। रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा की ब्लॉकबस्टर बाजीराव मस्तानी निकल गए कॉमेडियन कपिल शर्मा के नए शो से आगे। फैंस में इंटरेस्ट तब जाग उठा जब सोनी टीवी के द कपिल शर्मा शो का प्रीमियर और कलर्स पर बाजीराव मस्तानी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर अनाउंस हुआ, एक ही डेट पर और एक ही समय पर। दोनों प्रोग्राम्स में टीआरपी रेटिंग्स की वॉर होना तो लाजमी था। खबरों की माने तो बाजीराव की चाल कपिल शर्मा के कॉमेडी से कई कदम आगे निकल गई। मीडिया रिपोर्ट्स स्टेट दैट बाजीराव मस्तानी हैड अ लिटिल मोर स्पाइक इन द टीआरपी देन कपिल शो। इसके कई कारण हैं। पहला ये कि संजय लीला भंसाली की फिल्म फैंस के दिलों को छू गई। ब्लॉकबस्टर होने के साथ साथ इस फिल्म ने लगभग सभी अवार्ड्स भी जीते। दूसरा रीजन ये है कि द फिल्म रैन एडवर्टाइजमेंट फ्री ऑन द चैनल, दो दे डिड इंक्लूड अ फ्यू एड्स टुवर्ड्स द एंड। ऑल्सो द मूवी वॉज ब्रॉडकास्ट आफ्टर पॉपुलर शो नागिन, जो की टीआरपी रैंकिंग्स में ऑलरेडी आ गए है, और स्टार्स ने अपनी फिल्म के वर्ल्ड टीवी प्रीमियर का सोशल मीडिया पर जमकर प्रमोशन किया था। वही कपिल का शो नया जरूर था, जिसका इंतजार सभी को था, बट जोक्स वही पुराने थे। ऊपर से शाहरुख खान एज अ गेस्ट एट अ टाइम व्हेन हिज मूवी फैन इज स्ट्रगलिंग एट द बॉक्स ऑफिस। ये सब फैक्टर्स को मिलाकर देखा जाए तो कपिल शर्मा का शो रहा सेकंड नंबर पर। खैर, ये तो रही टीआरपी की वॉर। वैसे आपने कौन सा प्रोग्राम एंजॉय किया बताइए हमें अपने कॉमेंट्स के थ्रू। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर फॉर मोर सच स्पाइसी गॉसिप।